आज हम बनाने जा रहे हैं भंगजीर की चटनी। यह उत्तराखंड की भंगजीर की चटनी। तो इस छतरे को तवे पे रखना होता है। क्या हुआ मम्मी? आज घर के कपड़ों में जान था स्कूल। बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर दियो। पेपर नहीं बाय बाय। हाँ वही पेपर ही हुआ। जा जा जा। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। खुशी चली गई स्कूल। उसका आज उसका वाइवा है एसएसटी और साइंस का, तो वही वो तो चली गई है। और आज उसको लेट हो गया। लेट क्या हुआ, जल्दी आ गई वैन। वो तो रेडी हो ही रही थी, बाल बना रही थी, अचानक से वैन आ गई, फिर फटाफट फटाफट चली गई है वो। तो चलिए गाइस, करते हैं घर का काम और देखते हैं कल की तरह धूप आती है कि नहीं आती। वेदर रिपोर्ट तो बोल रही है कि धूप आएगी। कान्हा जी नहा धो के हो गए रेडी, नाश्ता कर लिया है ना। इसका तो काम बैठने का ही है, बैठ जाएगा। उसके बाद बोलेगा मम्मी पढ़ता हूँ अभी थोड़ी देर में। दांत हिल रह गए। नहीं ज्यादा नहीं हो रहा तो मैं नहीं अभी तोड़ूंगा। देखा ना, वैसे वैसे ही तो करेगा, तो ऐसे हिला ले फिर उसको, हिला ले। वो तो अभी पीछे जा रहा है ना। हाँ वही बोल रही हूँ, हिला ले। पर उसका मसूड़ा लाल हो गया। गाइस काम धाम हो गया है। अब मैं निकल चुकी है। काना और अम्मा दादी यानी कहाँ गई? साइड हो, देखा दिखा तो दे। ये रही, यहाँ पे हीटर के आगे बैठे हुए सारे। ये रही हीटर, कल ही लेके आए हैं ये। और क्या बोलते हैं, धूप आ रही है धीरे धीरे बाहर। काना जी का संदेश आ गया है कि आप लोग हीटर के आगे बैठे हो और बाहर धूप आ गई है, तो दादी तो चली गई। कल कम था ना ठंडा, कल कम था ठंडा और मेरे सारे कपड़े सूख गए थे। मैं दो ही जैकेट रह गई थी, वो मैंने डाल रखी है ऊपर ग्रिल में, आज भी सूख जाएंगे। धूप आई। तो गाइस फाइनली धूप आ गई है, चलो थोड़ा बाहर राउंड मार के आते हैं धूप में, है ना कन्नू? चले चलो गाइस बाहर जाके आते हैं एक राउंड, है ना। शॉल तो ले जाना पड़ेगा भाई, हवा चलेगी ना। चलो तो गाइस फाइनली धूप आ ही गई है, देखो कितना अच्छा लग रहा है धूप में। उतनी ठंडी नहीं लग रही आज। गाइस हम लोग आ गए मेन रोड पे आराम से, इधर से भी आ रही है गाड़ी। यहाँ पे देखो छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन, ओ मूर्तियाँ है रही, सुराई जैसी, सुराई जैसी है, कलरफुल अच्छे लग रही है। और ये पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। 400 का तो मैं लेके आई थी, देखो यही वाला प्लांट है 400 वाला। हम लोग मुड़ गए। क्या पूछ रहे हो कुछ? मंदिर ऐसे क्या ऐसा है, 2 साल तो हमको हो गए इधर और ये मंदिर ऐसे ही है, अभी भी बना ही नहीं है। देखो किस चीज का खेत है रे, ना मेथी नहीं है यार, टमाटर का खेत है। टमाटर के पेड़ लग रहे मेरे को तो, क्या होगा ये? गाइस ये खेत दिखाया हमको, देखते हैं किस चीज का है, आपको भी दिखाती हूँ। गाइस ये देखो आलू का खेत है कितना बड़ा। ओ भाई साहब, वो बाउंड्री दिख रही है ना, वो देखो वो पूरा आलू का खेत है। ये जाने देंगे नीचे से? ये देखो आलू के पौधे हैं ये। लो गाइस मैं आज आपको आलू के खेत में ले आई, ये पूरा आलू का खेत है। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये सारा खेती, बड़ी जबरदस्त कर रखी है रे। कन्नू आजा, आलू निकालते हैं इधर से। चलो वो उतर उतर के मैं आपको दिखा रही हूँ, उधर है आलू का, आलू है वो सारे। वहाँ पे नील गाय, अरे नहीं रहने दो रहने दो रहने दो, बहुत बड़ा है भाई। ये देखो गाइस ये रहा, दिखा? हाँ देख रहा है, इधर को सींग वाला है, तो सींग है इस पे, छोटे से सींग जैसे खड़े हैं, मतलब सींग है नहीं है पता नहीं। गिलहरी भी है आज, डॉगीज के लिए भी अच्छा हो गया, धूप सेक रहे मजे से, छोटे बच्चे खेल रहे। देखो रास्ता भी सारा टूट गया, ये टूटा था पहले और वो टूट गया, दोबारा बनाना पड़ेगा। सो गाइस आ गए घर पे। क्या हुआ मम्मी? आज घर के कपड़ों में जान था स्कूल। हाय, मैसेज भी आया था तो मैंने तेरे को भेजा था। वो वाला मैसेज के बाद, वो उसके बाद दूसरा मैसेज आया था कि घर के कपड़ों में जाना है। मम्मी ने डिलीट मार दिया सारे मैसेज। हाय, फिर मेरी क्लास में मेरे साथ बस एक और लड़की थी जो घर के कपड़ों में, स्कूल के कपड़ों में आई और साथ घर के कपड़ों में आ रखी। सारे घर के कपड़ों में आ रखे हैं। हाँ। फिर बेइज्जती हो गई। बेइज्जती हो गई क्या? कुछ नहीं होता तो फिर क्या हुआ? बेइज्जती तो फिर क्यों बोल रही है? स्कूल के दो कपड़े हैं। तो वही तो मैं बोल रही हूँ। अरे आपने मुझे वो घर मैंने मैसेज क्यों नहीं देखा आपने? अरे देख, तेरे को सारे मैसेज भेजे मैंने। हाँ दू। अच्छा रुक मैं देखती हूँ। अरे मैं
मेरे तो पैसे डिलीट हो गए सारे, सॉरी। चलिए बोरिया बिस्तर लेके चलते हैं धूप सेकने के लिए। अब आ जाओ, धूप तो निकल गई बड़ी सुंदर सी। चलिए जी, कपड़े भी सूख ही रहे होंगे हमारे। ये तो गाइस टाइम हो गया 5:30 और खुशी चाय पी रही है, देखो हमको नहीं दे रही। सॉरी गाइस 5:30 हो गए हैं, चाय बन गई, चाय पी रहे हैं सारे। 5:30 हो गए हैं देख ले। और आज ज्यादा ठंड नहीं लग रही इसलिए मैंने ऊपर ये स्वेटर उतार दिए। मेरे को आसान सा आ रहा है, मतलब घुटन सी हो रही थी क्योंकि सब पूरे बाजू के ही पहने हुए हैं ना, बट फिर ऊपर पूरा छत का झाड़ू लगा के आई अभी। मैंने कहा कब खोलूँ इसको, फिर मैंने कहा थोड़ी देर खोल ही देती हूँ स्वेटर। और खुशी देखो कंबल में बैठी हुई है अभी। तो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं भंगजीर की चटनी। ये उत्तराखंड में मिलता है, आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा ये गूगल पे। ये देखो ये जो दिख रहे हैं ना मोटे मोटे दाने, ये तो इनके आज चटनी बना रहे हैं हम। सबसे पहले ना हमने ये तवे पे देखो इन्होंने क्या रख रखा है, संतरा रख रखा है। संतरा खाने के चक्कर में संतरे को तवे पे रखना होता है संतरे का। नहीं नहीं गाइस झूठ बोल रही है, ये तवा है ना इस पे हमने इसको रोस्ट किया, थोड़ा सा भूना है और जब ये उछलने लगता है ना तो इसको हमने रोक दिया, ठीक है। ये तो अपने खाने के चक्कर में देखो, ये उसके बाद जब तक आप नारिंग को पानी में नहीं भिगोगे तब तक भंगीर की चटनी अच्छी नहीं बनेगी। जरूरी है अच्छा, तभी आपका स्वास्थ्य पाचन पेट अच्छा रहेगा, तभी पाचन होगा। कुछ भी। सो गाइस ये हमने ना भून लिया, ठीक है। भूनने के बाद अब इसको हम इसमें डालेंगे, हाँ ऐसे। अब इसको इसके अंदर डालना है, फिर इसमें हम डालेंगे एक टमाटर, थोड़ा सा धनिया और नारियल का छिक्कल जो हमने अभी 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 गर्म किया है। कुछ भी मत बोल खुशी, ऐसे नहीं गाइस ये उल्लू बना रही है। हमने इसको इसमें डाल लिया और इसमें टमाटर, हरी मिर्च और धनिया, नमक डालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको डालते हैं। पहले धनिया, इसके कुछ पत्ते इसमें डालेंगे और मिर्ची डालेंगे, दो डालेंगे ज्यादा नहीं, अदरक डालेंगे, टमाटर डालेंगे, ज्यादा मिर्ची हो जाएगी क्योंकि क्वांटिटी कम है ना, तो ज्यादा भी नहीं डालना। चटनी, इसमें नमक मिर्च हो रहा है, अच्छा टेस्ट कर लिया है। और इसमें मैंने गर्म पानी डाला है, ठीक है। गर्म पानी इसलिए डाला है ना क्योंकि थोड़ा ठीक हो गया था, फिर थोड़ा पतला करने के लिए। यह है उत्तराखंड की भंगजीर की चटनी, तो इसको इसमें डाल देती हूँ पहले, ठीक है। सो भाई ये बन गई है भंगजीर की चटनी। चटनी तो बना दी है, अब ये लोग खा रहे हैं संतरे गर्म पानी में करके। तो चलिए इनको संतरे दे देते हैं। ये लोग खा लो नारी नारिंग नारिंग, चलो 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 कनु तू भी खा रहे नारिंग। पहाड़ी में संतरे को नारिंग बोलते हैं। ये मांग रहे गांव का पिसा हुआ नमक, हाँ हाँ वही ला रही हूँ। गांव का, हमारे गांव का नारिंग होता है ना जो, ये तो ऐसे छीलना पड़ रहा है इतनी जोर से, वो तो अलग सा खिला खिला निकलता बाहर से ऐसे, मतलब ये फलियां अलग होती है और छिलका अलग होता है उसका। खा करनू खांसी अच्छी हो जाएगी गाइस सबकी, गरम सा लूनी और सर्दी जुकाम हो जाएगा दूर। सुबह टाइम हो गया है 12:00 बज गए और मुझे तो इतना ही लेट हो जाता है, 12:30 ऐसे बजते। सो गाइस आज आपने देखा, आज मैंने बनाई थी उत्तराखंड की फेमस चटनी भंगजीर की चटनी। तो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट, और जो न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। सो गाइस मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।